नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के ग्यारकुंड में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धनबाद के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन ग्यारकुंड प्रखंड से अंचल कार्यालय के सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन धनबाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिविल कोर्ट विनोद राय, प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार, प्रखंड प्रमुख संगीता महतो, अधिवक्ता विनोद कुमार, सांसद प्रतिनिधि धीरज सिंह, मुखिया काकोली मुखर्जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। धनबाद कोर्ट से जुडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद राय ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच संदेश पहुंचाने का है, जो कि व्यक्ति पैसों के चलते केस नहीं लड़ पाते, वैसे लोगों को DLSA के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है, जिसमें वकील से लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना है। जिसके अलावा सरकार के द्वारा जो सुविधा जनता को मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिलती हैं तो उनको भी सही माध्यम द्वारा दिलवाने का कार्य करना। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार ने संबोधित किया, जिसमें न्यायाधीश विवेक राय के माध्यम से ये जानकारी दी गई। धनबाद जिला क्राइम रिपोर्टर मजीद खान की रिपोर्ट। जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य देखिए बेसिकली यही है कि लोगों के बीच में यह जानकारी फैलाने के लिए या जानकारी मुहैया कराने के लिए है कि कानून जो है, कानूनी सहायता जो है वो सभी के लिए है, न्याय व्यवस्था जो है वो सभी के लिए है और सभी के लिए वो अफोर्डेबल हो, इसी के लिए DLSA का ये किया गया है। उसमें क्या है कि आपका न्याय जो है वो एकदम मुफ्त, आपको वकील की जो सुविधा है, लीगल एडवाइस है, केस पूरा का पूरा केस लड़ने की जो प्रक्रिया है, सिविल वाद हो या क्रिमिनल वाद हो, सभी तरह का इसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। पिछड़े वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं आज के समय में महंगी व्यवस्था जो है उसको, उसके कारण ये की गई है। दूसरा चीज़ ये है कि कोई भी सरकारी स्कीम, कोई भी व्यवस्था हो गई जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक कैसे वो पहुंचेगा, उसमें सरकार के बीच में या एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच का ब्रिज का जो है वो काम करती है DLSA, और जो आवेदन है उनको सही गंतव्य तक पहुँचवाना, उन पर कार्रवाई होना, और अगर कोई कंपनसेशन है किसी को कंपनसेशन मिलना है, विक्टिम कंपनसेशन जैसे हम कहते हैं, सेशन 357 CRPC में जो प्रक्रिया दी गई है उसके माध्यम से जो है वो राशि जो है वो निर्धारित करना, किसको कितनी राशि की रिहैबिलिटेशन के पर्पस से, किसी परिवार का जिसमें कि कोई अनहोनी घट गई है उसमें रिहैबिलिटेशन के लिए किस फंड की कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से हर परिवार को वो राशि मुहैया कराना, ये मुख्यतः जो है वो DLSA का काम है। तो इसी चीज़ को आज लोगों तक पहुँचाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और सभी ब्लॉक में यह कार्यक्रम हो रहा है, और इसमें हम बस लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जो भी अपनी समस्याएं हैं, जो भी अपने मतभेद हैं, उनको निपटारा करने के लिए पहले तो ग्राम स्तर पर की कोशिश करें, लेकिन अगर निपटारा संवाद के विवाद का नहीं हो पा रहा है तो न्यायालय आने के लिए सिर्फ इस कारण से कि उनके पास सक्षमता नहीं है, उनके पास वकील को रखने के लिए पैसे नहीं है, उस कारण से पीछे नहीं हटे वो, उसके लिए DLSA आपको मुफ्त में निःशुल्क न्यायिक सेवा उपलब्ध कराए। धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा प्रखंड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम किया गया था, इसलिए विधिक सेवा के बारे जानकारी उपलब्ध कराने के लिए और विधि संबंधी जानकारी के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्योंकि लोगों को अभी तक बहुत सारी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, लोग न्याय व्यवस्था से लाभ नहीं ले पाते हैं, तो उसी क्रम को लेकर के आज हमारे यहाँ एक जज सर आए थे और उनके द्वारा बताया गया कि जो भी चीज़ें हैं आप यदि नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इसके लिए डालसा है, डालसा में जाकर के आवेदन करें और मुफ्त में भी आप इसका लाभ विधिक सेवा का ले सकते हैं, आप अपना वकील रख सकते हैं, सरकारी वकील रहते हैं उसको लेकर के ये सारी जानकारी लोगों को दी गई, और ताकि जो जनता में है लोगों को न्याय के प्रति और आस्था जागे, विश्वास जागे, इसी को लेकर जाएगा। थैंक यू।